नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे बी शर्मा फ्रॉम एक्शन कैंसर हॉस्पिटल मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। दोस्तों, अक्टूबर महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस महीने में ब्रेस्ट के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। तो आइए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ हम जानते हैं। सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर जो है दुनिया में पहले नंबर पर आता है। जितने भी कैंसर हैं उनमें से ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन पे है। ये सारे कैंसर का 25% जो कैंसर है उसको रिप्रेजेंट करता है और अप्रोक्सीमेटली 16 लाख के करीब न्यू केसेस इसमें होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में वर्ल्ड वाइड 16 लाख के करीब हैं। इंडिया में भी ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन पे है और इंडिया में देखा जाए तो करीब जो एज एडजस्टेड रेट जो बोलते हैं कि भाई 1 लाख में कितने लोगों को कैंसर होता है, वो जो इंडिया में है वो 25.8 है। मतलब 1 लाख लोगों में से 25.8 को ब्रेस्ट कैंसर होता है। और यही आंकड़ा दिल्ली में अगर देखा जाए तो खाली दिल्ली में ये 41 है। 41 कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो कि 1 लाख लोगों में, जनसंख्या में 41 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये जो आंकड़ा है पूरे इंडिया में दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। चेन्नई में 37 है, बेंगलोर में 34 है। और ब्रेस्ट कैंसर से मोर्टेलिटी रेट जो है वो 12 है। 12 लोग ब्रेस्ट कैंसर से, 1 लाख लोगों में जो मौत होती है उनमें से 12 लोग जो ब्रेस्ट कैंसर के हैं वो मर जाते हैं। करीब करीब देखा जाए तो 2005 से 2012 तक आंकड़े जो ICMR के हैं वो ये बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर डबल हो गया है। और एक आंकड़े के मुताबिक जो 2020 में ब्रेस्ट कैंसर जो इंडिया में होगा वो करीब 18 लाख केसेस न्यू होंगे। तो क्या है, क्यों ब्रेस्ट कैंसर के केसेस इतने रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं, किस कारण से ब्रेस्ट कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। जो कि इंडिया में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो 10 साल पहले आ जाता है वेस्ट के मुकाबले। मतलब वेस्टर्न में जो पीक जो है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 50 से 60 है, जबकि इंडिया में 40 से 50 के लोगों में मैक्सिमम एज पे यहीं पे कॉमन होता है। हालांकि आगे भी हो सकता है, यंग एज में भी आ रहा है। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर जो यंग एज में हो रहा है, ये एक तो एडवांस स्टेज में पता लगता है और इससे मतलब ये काफ़ी एग्रेसिव भी होता है। तो क्या कारण है जो ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन होता जा रहा है? जो कि पहले तो मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। हमारे शरीर में एक छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जो सेल्स बोलते हैं, सेल से बना हुआ होता है और इन सेल्स में रेगुलेटेड ग्रोथ होती है। अब जब कोई भी शरीर में किसी भी हिस्से में कोई भी सेल्स अगर अबनॉर्मली ग्रो करने लगती है तो वो एक गांठ का रूप लेती है और उसको हम कैंसर बोलते हैं नियोप्लेज में। तो ये जो गांठ है ये अगर ब्रेस्ट में, जब ये ब्रेस्ट में डेवलप होती है तो जो ब्रेस्ट है उसमें फैट सेल्स होते हैं और मिल्क ग्लैंड्स होती हैं जिनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो जो मिल्क की ग्रंथियां हैं उनकी जो लाइनिंग्स में जो डक्ट्स होती हैं, डक्टल कार्सिनोमा इसलिए बोलते हैं, तो वो ग्रो वहाँ पे अबनॉर्मेलिटी होती है, ग्रोथ हो जाती है। तो उस स्टेज में जब ये बढ़ती बढ़ती रहती है तो ये ब्रेस्ट कैंसर कहलाती है। तो क्या कारण है, क्यों, किस वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो कि बहुत सारे कॉमन जो कॉजेज हैं सबसे उनमें से मैं बता देता हूँ। हालांकि एग्जैक्ट कॉजेज जो बहुत ही स्पेसिफिक कॉजेज अभी तक रिसर्च चल रही है पता नहीं चला था, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जो कि इंसिडेंस बढ़ा देते हैं। एक तो जेनेटिक है, किसी के में एक हमारे शरीर में एक जीन होता है BRCA1 और BRCA2। अगर इन जीन में कोई खराबी आ जाती है और ये पूरी तरह से काम नहीं करते तो वो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है उनमें से, जो कि लाइफ टाइम में अगर इन जीन में खराबी है तो उस मरीज को या उस बंदे को ब्रेस्ट कैंसर होने के 90% चांस है लाइफ टाइम में। और ऐसे पेशेंट्स को ओवरियन कैंसर भी हो जाता है, 50% लोगों को ओवरी का कैंसर भी इन जीन की म्यूटेशन की वजह से हो जाता है। और किसी को पेनक्रियाटिक कैंसर, किसी को
प्रोस्टेट कैंसर, किसी को कोलन कैंसर भी इन जीन की खराबी की वजह से हो सकता है। तो ये एक जेनेटिक कारण है जिनकी वजह से, ये एक म्यूटेशन होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा मैं कहूँगा कि फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में अगर पेशेंट्स को किसी के घर में, मदर को, किसी की बहन को, किसी के भाई को अगर कोई कैंसर है इस टाइप के ब्रेस्ट कैंसर, तो उनकी फैमिली में भी ये रिस्क बढ़ जाता है। 5 से 10% केसेस ऐसे होते हैं जो फैमिली में ट्रांसफ़र करते हैं कि उनकी वजह से। एज और सेक्स ऐसी चीज़ें जिनको हम बदल नहीं सकते पेशेंट की, पेशेंट की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और ये क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर है तो मेन में भी हो सकता है, पर 99% जो केसेज होते हैं वो फीमेल में होते हैं। मेल में भी 1% लोगों में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। तो किन किन वजह से ये हो सकता है? ऐसे माना जाता है कि जिन लोगों को अर्ली मेनार्क होता है, प्यूबर्टी जिनकी जल्दी आ जाती है, जिनको मासिक जल्दी 12 से पहले शुरू हो जाता है, तो वो लोग ऐसे होते हैं जिनको इस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा होता है शरीर में, और उनमें ऐसी संभावना जो ब्रेस्ट कैंसर की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जिन लोगों को लेट मेनोपोज होता है 50 के बाद या और प्रोलॉन्ग होता है, या जिनकी प्रेगनेंसी 31 साल के बाद होती है, तो ऐसे लोगों को भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो लोग 6 महीने से कम के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो उनके भी थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 6 महीने तो होनी चाहिए, नहीं तो 1 साल तो नॉर्मल ही है। कुछ ऐसे भी रिस्क फैक्टर हैं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं, जैसे ओबेसिटी, शरीर का वजन ज़्यादा बढ़ना, अल्कोहल लेना, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो महिलाएं उनको भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क हो जाते हैं, स्मोकिंग करना, एक्सरसाइज न करना दिन, मतलब, और जो हाई सैचुरेटेड जो फैटी डाइट है वो लेना। तो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड जो कुछ रीजंस हैं। स्ट्रेस आज के दिन में मेट्रोज में इतना स्ट्रेस है, इतना पोल्यूशन है, तो ये भी कुछ हद तक जो कैंसर डेवलपमेंट होने के कुछ कारण हैं। कुछ एथनिसिटी भी एक ऐसी है जिनमें कि कुछ जैसे वेस्टर्न में एस्केनाजी ज्यूज एक ऐसी मतलब जाति है, प्रजाति है जिनमें BRCA1 BRCA2 ये म्यूटेशन बहुत कॉमन रहता है, तो इनमें कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और इन्हीं से ब्रेस्ट कैंसर के प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो हमें बता दिया, ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेज क्या होते हैं, किस वजह से होता है वो बता दिया, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप जो भी नॉर्मल जो हैं उनको जो पेशेंट उनको सबसे पहले जो महसूस होता है वो लंप महसूस होता, ब्रेस्ट में या लेफ्ट में या राइट में कोज में, ये तो लंप इन द ब्रेस्ट, ये क्या होता है? एक छोटी सी गांठ या हाथ के नीचे अगर आप हाथ लगाते हो तो उससे फील होती है कि कोई गिल्टी है। ये गिल्टी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, पर यूजुअली ये पेनलेस रहती है। और इस गिल्टी के साथ में कई बार अगर ज़्यादा बड़ी होती है तो ये स्किन को भी टच करती है, स्किन को भी इन्वॉल्व कर सकती है, और स्किन को इन्वॉल्व करती है तो पकरिंग की एक वो फील आती है, जैसे संतरा के छिलके की तरह उस पर दाने दाने से हो जाते हैं, तो ब्रेस्ट में इस टाइप के भी दाने दाने हो सकते हैं। निप्पल में से रेड कलर का जो द्रव निकलता है तो वो भी एक कैंसर का कारण बन सकता है, डक्टल पेपिलोमा, डक्टल कार्सिनोमा की वजह से उसमें निप्पल से ब्लडी डिस्चार्ज होता है जो होता है। नॉर्मली आमतौर पे निप्पल से मिल्क सीक्रेट होता है, या फिर वाइटिश कलर का या पानी के रंग के जैसा पदार्थ निकल सकता है जो कि नॉर्मल होता है, लेकिन अगर उसमें रेड कलर का निप्पल से स्राव निकल रहा है तो वो एक अलार्म है, वो एक अलर्ट हो जाना चाहिए, उससे ये एक हो सकता है। निप्पल के आजू बाजू में खुजली होना या स्किन में कुछ इरिटेशन या रेडनेस होना वो भी एक कैंसर का रूप हो सकता है। इसलिए स्किन के ऊपर, स्किन में कोई रेडनेस हो रहा है, स्किन में कोई रेड कलर का पैच डेवलप हो रहा हो, या स्किन में कोई जो संतरा के जैसी स्किन नज़र आ रही हो, या बगल में गिल्टी कोई
आर्म पिट के अंदर कुछ गिल्टी महसूस हो रही हो, या नेक के ऊपर कोई गिल्टी महसूस हो रही हो, यहाँ पे कोई गिल्टी महसूस हो रही हो, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के कारण हो सकते, मतलब सिम्टम्स हैं। कई बार लोगों को हमने देखा है कि यहाँ पे जो गांठ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग बताते नहीं हैं, जो महिलाएं हैं, माँ बहनें, जो किसी को भी बताती नहीं है कि कुछ गांठ ज़्यादा बढ़ रही है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पूरी जो ब्रेस्ट है वो रेड हो जाती है, या वहाँ पे अल्सरेशन हो जाता है, या वहाँ से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है। इस स्टेज पे जब वो आती हैं तो वो एडवांस स्टेज होती है, तो उस स्टेज पर बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है। ऐसे केसेस में वो दूसरे सिम्टम्स भी पेशेंट्स को आ जाते हैं, जैसे अगर ब्रेन में जाती है तो किसी को दौरे आ सकते हैं, किसी को लकवा हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, या किसी को बोन्स में जाती है तो बोन पेंस वगैरह हो जाते हैं। ऐसी बीमारी अगर फेफड़े में फैल जाती है तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उसको खांसी आती है, कई बार ब्लड भी आ सकता है खांसी में। और इसी तरह से ये अगर बीमारी अगर एडवांस स्टेज में जाके लीवर में फैल जाती है तो पेशेंट्स को जॉन्डिस हो सकता है, पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है, भूख कम लग सकती है, बार बार वोमिटिंग वगैरह हो सकती हैं। और ऐसे ही पेशेंट्स को यही बीमारी अगर नीचे की ओवरीज में या पेट के अंदर स्प्रेड हो जाए तो पेट में पानी भी भर सकता है, ओवरी में स्प्रेड होती है तो नीचे पेल्विक में गांठ बन सकती है, कॉन्स्टिपेशन या यूरिनेशन बार बार जाना या बार बार लूज मोशन कॉन्स्टिपेशन रहना, इस टाइप के सिम्टम्स भी पेशेंट को हो सकते हैं, चलने में परेशानी होना, सांस फूलना, ये सब कारण अगर बीमारी बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में हो जाती है तो ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए, सिम्टम्स दो टाइप के मैंने बताए, अर्ली स्टेज के जैसे जैसे बीमारी पैदा होती है उस टाइम पे ब्रेस्ट तक ही लिमिटेड रहते हैं या बगल तक या नेक तक आते हैं, और एडवांस स्टेज में अगर पेशेंट आता है तो उसमें अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक पेशेंट अगर हमारे पास कोई गिल्टी लेकर आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, आगे पेशेंट अगर कोई गिल्टी लेके आता है तो सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम ये पता लगाएं कि ये जो गिल्टी है ये कैंसर से रिलेटेड है या किस टाइप से है। और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की उम्र कितनी है और किस एज का पेशेंट और किस टाइप की गांठ है। आमतौर पे देखा जाता है कि जो पेशेंट 18 से 20, 22, 25 साल से जिनको गिल्टी हो जाती है इनमें भी कॉमन होती है, उसको फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं कि इस टाइप में ये पेनफुल रहता है, सॉफ्ट गिल्टी सी होती है जो कि मूव करती रहती है और हार्मोन से रिलेटेड रहती है, मेंसेस से रिलेटेड ये रहती है, कई बार ये कम हो जाती है, कई बार बढ़ जाती है। तो ऐसी जो गांठें होती हैं उसको फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं। इस उम्र में जो गांठें होती है कॉमनली फाइब्रोएडिनोमा ही होती है, 80% ऑफ द टाइम ये नॉन कैंसर होती है। तो पेशेंट्स की एज के ऊपर डिपेंड करते हुए हम टेस्ट कराते हैं, ऐसी उम्र में हम मेमोग्राफी नहीं सजेस्ट करते, अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्योंकि उसमें कोई सिस्ट भी हो सकता है या कोई सॉलिड, वो भी सॉलिड गांठ जैसी भी हो सकती है, तो फाइब्रोएडिनोमा या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ये हो सकते हैं। इसमें कभी भी हम मतलब मेमोग्राफी जनरली इसमें नहीं करते, अल्ट्रासाउंड या फिर उसमें हम MRI ब्रेस्ट का करवा के इससे पता लगा सकते हैं कैंसर से रिलेटेड है या नॉन कैंसरस टाइप है। तो FNAC कई बार हमें ज़रूरत पड़ सकती है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि FNAC से हम पता लगा लें ताकि इससे ये कैंसर है कि नहीं है। अदरवाइज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 30 से 40 में कोई भी गिल्टी है, 40 के बाद तो मेमोग्राफी हम सबसे पहले करवाते हैं, पहला टेस्ट होता है मेमोग्राफी, उससे पता लगता है किस टाइप की है। फिर नीडल टेस्ट होता है, निडल टेस्ट करने के लिए हमें एक छोटी सी सुई को ब्रेस्ट के अंदर डाल के उसमें से पानी को एस्पिरेट करते हैं और वो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट होती है जिससे हमें पता लगता है कि ये कैंसर के सेल्स हैं या किस टाइप के सेल्स हैं। तो ये जो कैंसर के सेल्स अगर हमें दिखते हैं तो फिर हम आगे इसका फर्दर टेस्टिंग करते हैं। तो पहले मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड या MRI और उसके बाद टेस्टिंग, कन्फर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस जो FNAC से होता है, और उसके बाद जो हम आगे जो टेस्ट करते हैं, एक बार हमें डायग्नोसिस हो गया कि ब्रेस्ट कैंसर है तो हम उसकी स्टेजिंग करते हैं कि स्टेजिंग के लिए हमें कि ये बीमारी यहाँ तक ही लिमिटेड है या किस टाइप, किस कहाँ कहाँ तक और कौन कौन से ऑर्गन्स में ये पहुँच चुकी है। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहला आजकल सबसे सस्ता और सबसे कॉमन
टेस्ट अवेलेबल है आजकल, अपने फैमिली फिजिशियंस भी एडवाइस कर देते हैं पेशेंट्स को, जो भी जिनको भी लगता है। तो पैट स्कैन, होल बॉडी पैट स्कैन जो है एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिससे हम पूरी बॉडी को स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं कि ये कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर है ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। होल बॉडी सीटी स्कैन से लंग्स का और ब्रेस्ट का, एक्जिला का, पेट का, लीवर का, बोन्स का, सब जगह का हमें पता लग जाता है। तो सीटी स्कैन या होल बॉडी पेट सीटी से हम स्टेजिंग करते हैं। अगर अब स्टेज ब्रेस्ट कैंसर की चार स्टेज होती हैं, स्टेज जीरो जब डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू होता है तो उसको स्टेज बोलते हैं। ये डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू ऐसा होता है कि इसमें कैंसर डक्ट्स के अंदर ही रहता है और ये बाहर नहीं आता, तो ये 100% क्योरेबल है। इसमें गांठ को निकाल दिया जाता है और बाकी पूरे ब्रेस्ट को कुछ भी नहीं करते, पूरे ब्रेस्ट भी नहीं निकालते। स्टेज वन का कैंसर होता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो कि 2 सेंटीमीटर से कम का हो, ये स्टेज वन है। स्टेज टू कैंसर 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का अगर हो जाए गांठ तो उसको स्टेज टू का कैंसर बोलते हैं। अगर ये गांठ उससे ज़्यादा बड़ी हो जाए या ये गांठ बगल में चली जाए कि जो गांठ स्प्रेड करके लंग्स में, लीवर में, बोन में और ब्रेन में कहीं पे भी चली जाए तो ये स्टेज फोर कहलाती है। ये स्टेजिंग क्यों होती है? स्टेज इसलिए होती है कि स्टेजिंग से हम प्रोग्नोसिस का पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट का सर्वाइवल, इस्टीमेटेड सर्वाइवल कितना है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेज जीरो का मैंने बताया 100% सर्वाइवल है, ऐसे स्टेज वन का 95% पेशेंट जो हैं वो क्योर हो जाते हैं, ऐसे स्टेज टू के 90% पेशेंट क्योर हो जाते हैं, स्टेज थ्री के 60-70% स्टेज थ्री के क्योर रेट में होते हैं, और स्टेज फोर के कम से कम 25-30% स्टेज फोर के पेशेंट वो भी क्योर हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको स्टेज बताई कि ब्रेस्ट कैंसर की कितनी स्टेज हैं और क्या उनका इम्पोर्टेंस है, क्या प्रोग्नोसिस रहता है। अब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर का चार तरीके से किया जाता है। नंबर वन, पहले तो उसका जो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो क्या वो अर्ली है या एडवांस्ड है। अगर अर्ली स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें क्या हमें दवाई दे के उस गांठ को छोटा करना चाहिए या फिर हमें डायरेक्ट सर्जरी करनी चाहिए। तो सर्जरी एक पहला ट्रीटमेंट हो गया सर्जरी। अगर सर्जरी हो सकती है तो पहले हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी भी दो टाइप की होती है, एक तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी और दूसरी होती है कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, MRM बोलते हैं उसको, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी। तो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी में गांठ निकालते हैं और एक छोटा सा लिम्फ नोड, एक ही तरह से जो सेंटिनल लिम्फ नोड होता है कि जहाँ पे गांठ को पहुँचने का जो एक स्टेशन होता है, पहला स्टेशन जिसको बोलते हैं उसको सेंटिनल लिम्फ नोड बोलते हैं, वो डाई डाल के उससे पता किया जाता है कि ये गांठ यहाँ तक पहुँच गई होगी, तो उस लिम्फ नोड को ही निकाला जाता है। ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, ये दो टर्म ऐसी हैं जिनको अगर हम करते हैं तो राइट या लेफ्ट में या जो हैंड की स्वेलिंग होती है जिनको हम बोलते हैं लिम्फेडिमा, उसके चांसेस कम हो जाते हैं ऐसी सर्जरी से। तो दूसरी सर्जरी मैंने बताई थी कंप्लीट रिमूवल, जिसमें ब्रेस्ट और एक्जिलरा के टिश्यू कंप्लीट रिमूव हो जाते हैं, ये भी एक टाइप की सर्जरी है। इसमें अगर पेशेंट ब्रेस्ट पूरी रिमूव कराना चाहता है तो उससे हो जाते हैं। इससे एक थोड़ा सा नुकसान होता है इस वाली सर्जरी में कि इसमें लिम्फेडिमा के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो सूजन हाथ में, जिस भी साइड में सर्जरी होती है तो उसमें हाथ में सूजन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एक सर्जरी मैंने बता दिया, उसके बाद जैसी भी रिपोर्ट आती है हिस्टोपैथोलॉजी की, ऑपरेशन करने के बाद क्या क्या देखते हैं हम, क्या क्या पैरामीटर जो आगे फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं हमारे, वो है कितने साइज का ट्यूमर था, कितने नंबर ऑफ लिम्फ नोड बाहर निकाले, मार्जिन कैसे हैं जिन जो पॉजिटिव है, एग्रेसिवनेस कैसे है, पेशेंट का इंडिविजुअल जो ER ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, हार्ड टू न्यू, ये तीन पैरामीटर जो बायोलॉजिकल हैं वो ये इसके आगे का ट्रीटमेंट को भी गाइड करते हैं और आगे क्या पेशेंट का कैसे बिहेवियर रहेगा, किस टाइप से रहेगा वो भी गाइड करते हैं। तो इसके हिसाब से हम कीमोथेरेपी भी प्लान करते हैं, और अगर किसी को HER3+ पॉजिटिव आता है तो ऐसे पेशेंट्स को हम टारगेटेड ट्रीटमेंट भी एडवाइस करते हैं। जिन पेशेंट्स का ER और PR पॉजिटिव आता है तो ऐसे पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी टारगेटेड के बाद
5 साल तक या 10 साल तक हार्मोनल ट्रीटमेंट भी देते हैं जो कि आगे ब्रेस्ट कैंसर रिलैप्स के चांसेस कम कर देता है। तो ये मैंने बताया कि कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और हार्मोनल ट्रीटमेंट, ये 4 तरीके के हैं और ये स्टेज के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज के कितना उसको पेशेंट्स को दिया जाएगा। आजकल कुछ ऐसे टेस्ट भी आ रहे हैं कि जो ERPR पॉजिटिव हो और ट्यूमर साइज कितना भी हो, 3 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर से कम हो, तो ऐसे पेशेंट्स में क्या हम कीमोथेरेपी दें या ना दें। तो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि ये बता सकते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को क्या इनका जो रिलैप्स होने के चांसेस कितने हैं। कुछ स्कोरिंग सिस्टम है, ये टेस्ट काफ़ी कॉस्टली हैं और इन टेस्ट की वजह से मतलब कई बार पेशेंट्स को टेस्ट भी कराने पड़ते हैं और उनको कॉस्ट भी कीमोथेरेपी और फर्दर आगे ट्रीटमेंट भी कराने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, हम कैसे अवेयर रह सकते हैं। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो है कि अगर किसी को कोई ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी सिम्टम है तो वो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं, देखें, बताएं, डिले ना करें। या तो ब्रेस्ट में कोई अबनॉर्मलिटी आपको दिख रही है कि एक साइड की ब्रेस्ट में आपको कोई लंप फील हो रहा है या कोई इचिंग हो रही है या कोई उसमें से लिक्विड निकल रहा है निप्पल से या कोई रेड कलर का लिक्विड आ रहा है या पेन हो रहा है या पेशेंट्स को इचिंग, किसी को इचिंग हो रही है या आर्म पिट में कोई कोई भी टाइप की अबनॉर्मलिटी हो, तो आप उसको अवॉइड ना करें, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और सलाह लें। दूसरी बात, जो पेशेंट्स हाई रिस्क हैं जिनके फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है या फैमिली में किसी को बुआ को मदर को या जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है मदर या बहन उनको किसी को हुआ है, उन पेशेंट्स को तो खास करके जागरूक रहना चाहिए, उनके लिए वो हाई रिस्क है, उनको कोई भी नेगलेंसी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि एज के मुताबिक 40 साल के बाद हमें मेमोग्राफी जरूर करवानी चाहिए जो कि साल में एक बार होती है। और मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ कि हमारे मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि 40 साल के बाद अक्टूबर महीने में जो भी यहाँ पे मेमोग्राफी करने के लिए आएगा उनके हम सिर्फ 500 रुपये में ये मेमोग्राफी हम कर देंगे, जो कि डिजिटल मेमोग्राफी है। डिजिटल, इसका चार्ज बाहर मार्केट में या हॉस्पिटल में भी 2400 रुपये है, जिसको हम 500 रुपये में कर देंगे। ये सिर्फ लोगों के लिए, भलाई के लिए मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है और लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि ब्रेस्ट कैंसर के लिए लोग जागरूक रहें। आपस में 40 के बाद जो महिलाएं हैं वो अपने हेल्थ के लिए अवेयर रहें, बाकी सबको भी लेके आएँ। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑफर हॉस्पिटल ने निकाला है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो है कि ओबेसिटी से बचें, अल्कोहल से बचें, स्मोकिंग ना करें, एक्सरसाइज आप करते रहें और अच्छे से एक्सरसाइज करें, तो ये मैं कहूँगा। और लास्ट में चलते चलते मैं आप सबको दिवाली अभी आने वाली है तो दिवाली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये मैं दुआ करता हूँ और आशा करता हूँ आपके लिए ये दिवाली बहुत शुभ रहे और दिवाली से आपके आने वाले साल के लिए भी दिवाली बहुत ही आपको शुभ रहे। नमस्कार, धन्यवाद।